हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलवीर में। आज का जो वीडियो, ये वीडियो हरियाणा सीटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 61वां प्रैक्टिस सेट है। और ये सीरीज़ हमारी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा सीटी का तब तक चलती रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहें। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। जो लेटेस्ट टॉपिक हैं वो हमने काफ़ी करवा दिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, चैनल पर देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हरियाणा की अर्थव्यवस्था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, वो एक वीडियो में नहीं करवाएंगे क्योंकि आप एक वीडियो में कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा टॉपिक इस टाइप का है, इनको 3 से 4 वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो नोटिफिकेशन रिंग का ऑप्शन आता है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको ज़रूर दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। और इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कूल बॉय कुलवीर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये नाम आप टेलीग्राम में लिखेंगे तो पहला चैनल आएगा, वही आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं आज का आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 61 है हरियाणा की अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए लेकर आए, ठीक है। सबसे पहले एचएफसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एचएफसी का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। एचएफसी के कितने प्रतिशत अंश हरियाणा सरकार के पास है, तो कितने हैं ये हैं आपके 97.28%, ठीक है। उसके बाद है एचएफसी लिस्ट कंपनी जो है इसके अंशों की लिस्टिंग किसके पास है, तो ये आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निगम की अंश पूंजी की राशि किसके द्वारा तय की जाएगी, 1951 के अधिनियम के द्वारा, तो ये तय की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार। निगम की न्यूनतम व अधिकतम पूंजी राशि कितनी हो सकती है, ये हो सकती है आपकी 50 लाख से 500 करोड़, न्यूनतम तो 50 लाख और अधिकतम 500 करोड़, ठीक है। एचएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य होते हैं, ये होते हैं आपके 1 अध्यक्ष और 6 डायरेक्टर, कितने, एक तो अध्यक्ष होएगा, एक और होंगे 6 डायरेक्टर, ठीक है। एचएफसी सूक्ष्म व लघु इकाइयों को अधिकतम कितना ऋण दे सकती है, ये दे सकती है 5 करोड़ का, कितना, 5 करोड़। एचएफसी से किए ऋण को अधिकतम कितने समय में भरना होगा, ये भरना होगा 10 साल में, कितने साल में, 10 साल में। एचएफसी द्वारा नीलाम की गई संपत्ति के समय खरीदार को कितनी राशि नगद भुगतान के तौर पर देनी पड़ती है, तो ये देनी पड़ेगी उनको 25%, जितनी भी नीलामी राशि उसकी 25%, ठीक है। क्या एचएफसी अब भी ऋण उपलब्ध कराता है, जी नहीं, अब नहीं कराता, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हैफेड है, आपने सुना होगा, इसकी स्थापना कब हुई है, हैफेड की इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था तभी हुई थी। क्या हैफेड का पशु आहार अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है, जी बिल्कुल किया जाता है, हाँ हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा कुल वसूल किए गए खाद्यान्नों का कितना हिस्सा हैफेड के माध्यम से खरीदा जाता है, ये खरीदा जाता है 1/3 हिस्सा। खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से स्टोर करने के लिए हैफेड में कितने जिलों में हाई क्वालिटी वेयरहाउसिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, तो ये करवाई है आपकी 19, कितनी, 19। हैफेड ने किस जिले में बीज प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया है, ये किया आपका गन्नौर, गन्नौर कहाँ पे है, सोनीपत में है, ठीक है। हैफेड ने कितने वसूली केंद्र स्थापित किए हैं, ये किए हैं आपके 367, कितने, 367। हैफेड द्वारा जीरे से चावल निकालने वाली कितनी मिलें स्थापित की गई हैं, ये की हैं 4, कितनी, 4। हैफेड द्वारा कितने पशु आहार प्लांट स्थापित किए गए हैं, ये किए हैं केवल 2। हैफेड द्वारा कितनी भूमि पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू है कितना, 2500 एकड़, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और बताइए कौन सा कथन KVIC के अकाउंट सही है, तो इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, खादी एक हथकर का उद्योग का उत्पाद है जिसके धागे की बुनाई व कताई हाथ से की जाती है, बिल्कुल सही है। खादी एक त्वचा मैत्री कपड़त्र है जिसकी कताई व बुनाई हाथ से की जाती है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों के दोनों आपके सही हैं। देश का अनाज भंडार किसे कहा जाता है, देश का अनाज भंडार बोलते हैं, देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों को बोलते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा।
कौन सा ज़िला एनसीआर में नहीं आता? एनसीआर की बात की जाए तो देखिए फरीदाबाद आता है, गुरुग्राम आता है, पानीपत भी आता है, सिरसा नहीं आता है, ये 100 किलोमीटर की रेंज से दूर हो जाएगा इसलिए, ठीक है। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? ये आपका 834, कितना? 834। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक कल्याण में वृद्धि की आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक कल्याण में वृद्धि ही आर्थिक विकास है, किसने कहा ये? ये कहा था आपका कॉलिन क्लार्क ने, ठीक है। आर्थिक विकास के द्वारा प्रति व्यक्ति आग व आर्थिक कल्याण में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, ये किसने कहा? ये कहा था आपका पीटरसन ने, ठीक है। निम्न में से क्या आर्थिक विकास की विशेषता नहीं है? तो बात करें निर्धनता, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का कौन सा स्थान है? बासमती चावल की बात की जाए तो पहला है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर कितनी है? कितनी है दोस्तों? यह है 30, ठीक है, डी ऑप्शन। वर्ष 2019-20 में हरियाणा में अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की संख्या कितनी है? यह है 785। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई आपकी 1 जनवरी 2014 के अंदर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हरियाणा में कब लागू किया गया? ये हुआ 2013 के अंदर। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में जन्म से 6 महीने तक बच्चे को दूध पालने वाली माता को कितनी राशि दी जाती है? ये दी जाती है आपकी 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मिलान करना है तो यहाँ पे बात करें, देखिए औद्योगिक व निवेश नीति आपकी 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है। कौन सा? औद्योगिक व निवेश नीति, जी हाँ, ठीक है ये। उसके बाद है उपक्रम संवर्धन नीति, ये आपकी 2015 में शुरू हुई थी। हरियाणा उपक्रम व रोजगार नीति, ये आपकी 2011 में शुरू हुई थी। हरियाणा गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। व्यवसाय की सफलता को प्रभावित करने वाला बाहरी घटक कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? आकर्षक पैकिंग, ठीक है। व्यवसायिक क्रिया द्वारा क्रय विक्रय करके धन कमाया जाता है, किसने कहा? किसने कहा ये कहा आपका ऑप्शन ए HL हेने ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यावसायिक वातावरण, व्यवसाय के आसपास होने वाली घटनाओं और प्रतिक्रियाओं का प्रभाव है, किसने कहा? ये कहा आपका कैथ डेविस ने, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है? तो कितने करती है? ये करती है आपकी 2.1%। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति आय में आपका तीसरा स्थान, कौन सा? तीसरा। वर्ष 1966-67 में हरियाणा में कितनी बड़ी व मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयां थी? कितनी थी? 162, ठीक है, ये ऑप्शन। 1966-67 में हरियाणा में GDP की सेवा क्षेत्र कितना योगदान रहा है GDP का? तो ये रहा आपका 22.9%, कितना? 22.9%। वर्ष 2019-20 में GDP में सेवा क्षेत्र कितना रहा है? तो कितना रहा दोस्तों? ये रहा 50.9, यानी कि डबल से भी ऊपर हो गया अब, ठीक है। निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? बिजली जो है सेवा क्षेत्र का नहीं है, बाकी संचार, यातायात, रक्षा, तीनों किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र। 2020-21 में माध्यमिक क्षेत्र का GDP कितना रहा? माध्यमिक का पूछा आपके बार, ये रहा आपका 30.2%। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से नहीं निकलता? हरियाणा से नहीं निकलता, बात करें देखिए NH 44 तो निकलता है, 350 भी, 48 भी, 105 नहीं निकलता, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है? गांव में रहती है 65.1%, कितना? 65.1%। वर्ष 2019-20 में GDP में कृषि का योगदान, कृषि की बात करें तो ये 16.6% रहा है, कितना? 16.6%। वर्ष 2011 में नू जिले की साक्षरता दर कितनी थी? नू जिले की साक्षरता दर थी 54.14, ठीक है। निम्न में से किस कारक पर आर्थिक विकास निर्भर नहीं करता? कौन से कारक पे नहीं करता? ये नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय कारक पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ये थी आपकी 19.90% दोस्तों, ठीक है। ये था आज का टॉपिक हरियाणा की अर्थव्यवस्था। तो इसमें लगभग 200 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, 50
क्वेश्चन की एक वीडियो बनेगी, क्योंकि ज़्यादा करवाएंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा टॉपिक इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।